नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग छत पे एक पेड़ लगाने वाले हैं। तो मेरे पास में अमरूद का पेड़ लाया हुआ रखा हुआ है, वो हम पेड़ लगाएंगे ड्रम में। एक बड़ा सा ड्रम है फेविकॉल का जो कि खत्म हो चुका है, उस ड्रम में हम पेड़ लगाएंगे। बट हम मिट्टी बहुत कम यूज करेंगे, उसके अलावा हम कुछ उसकी जगह हम कुछ और यूज करने वाले हैं। और थोड़ा सा लाइक अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे आप नॉर्मल गमले में पेड़ लगाते हो वैसा नहीं है। उसके अंदर हम लाइक ना प्रॉपर लेयर्स बनाने वाले हैं। और उस ड्रम में अभी नल भी लगवाना है। उस नल का क्या यूज है मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगी, ठीक है। तो हम लोग पहले चलते हैं ड्रम को लेके प्लम्बर के पास में जाते हैं, तो उनकी दुकान यहीं पे पास में है, तो वहां पे जाके उसके ऊपर हम नल लगवाएंगे, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये ड्रम है, इसके अंदर मैं पहले मिट्टी स्टोर करती थी और इसको हम लेके जाते हैं और इसके अंदर हम नल लगवा के आते हैं। भैया उस दिन मैं पास करके गई थी ना ड्रम, इसके नल लगवाना है। हाँ बीच में लगवाना है। तो इस पे अभी नल लग चुका है, इन्होंने मुझसे 40 रुपीज चार्ज किया। एंड अब इसके अंदर हम पेड़ लगाने वाले हैं। दिस इज माई ड्राइव टूडे। सो नाउ ओवर हियर हमारे पास में ये ड्रम है जिसके ऊपर मैंने ये नल लगवा लिया है इन 40 रुपीज। ये अमरूद का पौधा है जो हम इस ड्रम में लगाने वाले हैं। ये कोकोपीट है और ये कोकोनट हस्क है। कोकोपीट बेसिकली वो होता है जो कोकोनट के छिलकों से, जो नारियल के छिलकों से बनता है, उसको कोकोपीट कहते हैं। और ये कोकोनट हस्क है जो नॉर्मल जो नारियल का जो छिलका होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं कोकोपीट की जगह। मुझे इतने सारे ये नारियल के छिलके नहीं मिले, इसलिए मैं कोकोपीट खरीद के लेके आई हूँ। अब ये अमरूद के पौधे को ड्रम में लगाने का एक रीजन है क्योंकि इस अमरूद का पेड़ बनता है और फिर उसके बाद में हमें कुछ उसके फल वगैरह मिलते हैं। तो अगर आप इसको लाइक अपनी ना छत वगैरह पे इसमें अगर आप पूरी मिट्टी भरेंगे ड्रम में, तो इसका वजन काफी ज्यादा हो जाता है। एंड नॉर्मली लाइक यू नो लोग प्रेफर नहीं करते एकदम भारी भारी गमलों को छत पे रखने के लिए, इसलिए हम उसकी जगह जो नारियल के छिलके हैं वो यूज कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे नारियल के छिलके काफी सारे मिल सके तो आप वो यूज कर सकते हैं, वरना आप बाजार से कोकोपीट जो आता है उसका ऐसा पूरा ये पूरा ब्रिक आता है, इसके अंदर छोटा भी आता है, आई थिंक ये 5 किलो का है। और नॉर्मली ये इतना लाइक इससे ये पूरा ड्रम भर जाएगा, बट हमें जो कोकोपीट डालना है ड्रम में वो इस नल के लेवल तक डालना है। और ये था ऑलमोस्ट 200 रुपए का, तो आपको ऑलमोस्ट इसी रेट में बाजार में मिल जाएगा या फिर आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। जो ये नारियल के छिलके और जो कोकोपीट होता है वो पौधे उगाने के लिए काफी सही रहता है और लाइक यू नो वो ना मिट्टी की तरह भारी नहीं होता, इसलिए हम मिट्टी की जगह इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब जो आपका ड्रम है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो आपका नल का लेवल है उस नल के लेवल तक हम ये कोकोपीट या फिर नारियल के छिलके डालने वाले हैं। उसके ऊपर ऑलमोस्ट हम 2 इंच लेयर खाद, कोई भी कॉम्पोस्ट, नीम, गाय की गोबर की खाद या फिर कुछ भी केचुए की खाद, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम 2 इंच लेयर उस खाद की डालेंगे और फिर उस खाद के ऊपर हम 2 इंच लेयर मिट्टी की डालेंगे। तो बेसिकली जो आपका मिट्टी का वजन है वो बस सिर्फ इतना सा ही यूज होगा। तो इस ड्रम का वजन काफी काफी कम होने वाला है, ठीक है। हमने इसमें ये नल इसलिए लगवाया है क्योंकि आपको इसको रोज पानी देने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा पानी होता है वो आप इसमें डाल सकते हैं और वो पानी एकदम नीचे चल जाएगा, है ना। और लाइक बेसिकली आप ऐसा मानिए कि आप ना इस पौधे को जमीन में उगा रहे हैं, तो जैसे जमीन में ग्राउंड वाटर होता है वैसे ही हम उसको ग्राउंड वाटर कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। जो पानी नॉर्मली जमीन के अंदर होता है जिससे पेड़ पानी लेते हैं, तो जो ऊपर की जो परत है वो एकदम वो खाद और मिट्टी की रहने वाली है और जो उसके नीचे की परत है वो नारियल के छिलकों की रहने वाली है। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो वहां पे आ जाएगा। और ये नल भी इसी वजह से लगाया है वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। अगर पानी कुछ ज्यादा ही भर जाएगा तो आप इस नल को खोल सकते हैं और जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो पानी बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, तो ये यूज है नल का और बेसिकली हमने इसके नीचे कोई छेद नहीं किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस ड्रम के नीचे हमेशा पानी थोड़ा सा बना रहे और जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा इस लेवल के ऊपर वो पानी इस नल से बाहर इजीली आ जाएगा। तो चलिए अब इस पौधे को इसमें लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसा अभी आपने देखा होगा आप कोकोपीट को ऐसे ही यूज करते हैं, जो भी इसका कोकोपीट का ब्रिक आता है आप उसके अंदर पानी डालते जाते हैं और वो लाइक यू नो और कोकोपीट अलग होती जाती है। इसमें जितना पानी डालते जाएंगे वो लाइक यू नो वो वाला पार्ट अलग होता जाएगा, लाइक प्रॉपर वो मिट्टी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। जैसे कि हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था, मैं इसकी थैली हटा के और फिर जो ये क्ले सॉइल है, जो ये गीली मिट्टी है, मैं इसको थोड़ा सा पानी में अलग करूंगी लाइक हल्का सा जड़ों को लूजन करने के लिए और फिर मैं ये पौधे को इस गमले में लगाने वाली हूँ। मुझे आपके साथ में ये वाला मेथड शेयर करना था एंड आई होप यू लाइक दिस वे, क्योंकि आप इसमें लाइक यू नो इजीली, होता क्या है कि जिनके पास में ग्राउंड फ्लोर, जिनके पास में लाइक यू नो कोई जमीन नहीं होती वो लोग पेड़ नहीं लगा पाते, लाइक वो लोग इतने पेड़ नहीं लगा पाते, बट आप ये वाला मेथड यूज करके अपनी छत पे भी या फिर अपनी बालकनी में भी लाइक यू नो ऐसे पेड़ लगा सकते हैं। एंड नॉर्मली जो पेड़ का साइज होता है ना वो ड्रम के साइज से 3 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। सो ऑलमोस्ट लाइक यू नो ये ड्रम जितना भी बड़ा है, ये ड्रम है आई थिंक 50 किलो कुछ का ड्रम है। हाँ, ये ड्रम 50 किलो का है, तो मुझे इसकी हाइट नहीं पता बट आप इसकी हाइट लाइक अंदाजा लगा सकते हैं 2 फीट में भी। तो ये पेड़ कम से कम 6 फीट तक, 4 से 6 फीट तक जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके ऐसे और दोस्त फैमिली में कोई है जिनको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है आप उनके साथ में ये शेयर कर सकते हैं। एंड आई विल नाउ सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, और इसके साथ साथ जो बेल बटन है सब्सक्राइब बटन के साथ में आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो वीडियो के लिए इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।